नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, यानी कि ज्यामिति के बारे में। अब ज्योमेट्री की यदि बात करें तो ज्योमेट्री में जो सबसे पहली चीज यानी सबसे न्यूनतम इकाई होती है वो होती है पॉइंट। तो एक बार समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या है। अब जो पॉइंट है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, यानी कि किसी भी प्लेन में किसी भी सतह पे किसी पोजीशन को पॉइंट कहते हैं। ये हमारा जो है वो पॉइंट है और ये इस प्लेन के सरफेस के ऊपर है। अब इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो हम एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस यानी थ्री डायमेंशन में तीनों के आधार पे यदि शो करें तो उसे शो करेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और टू डायमेंशन की बात करें तो इसमें एक्स कोमा वाई ये इस पॉइंट की क्या होगी पोजीशन। कुल कहने का मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो किसी पर्टिकुलर जगह को या उसकी पोजीशन को दर्शाता है। अब इससे आगे चलें तो बात आती है लाइन। अब लाइन जो है हमारी वो क्या है कि भाई एक स्ट्रेट वे में यदि आप इनफाइनाइट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, तो वो जो है वो क्या होता है हमारी लाइन। अब लाइन जो है दोनों ही एंड पे इनफाइनाइट एंड तक जाती है। अब ना तो इसका इस साइड कोई एंड है ना इस साइड कोई एंड है, तो दोनों ही तरफ इनफाइनाइट एंड है इसके। और इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट जो है वो मौजूद होते हैं, यानी कि एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स का एक स्ट्रेट वे में एक समूह है। अब अगर इस लाइन को किन्हीं दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच शो किया जाए, अब क्या किया मैंने कि ये दो पॉइंट जो है ए और बी ले लिए इस लाइन के, और ए और बी के बीच की ये जो दूरी है अब ये क्या होगी, पहले जो लाइन थी उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस था वो इनफाइनाइट था दोनों ही तरफ, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी अब जो है वो फाइनाइट होगी। अब इसे हम माप सकते हैं क्योंकि इन दोनों ही छोर पे, एक छोर पे ए एंड पॉइंट है और दूसरे छोर पे बी एंड पॉइंट है, दोनों फिक्स है, तो इनके बीच की दूरी को मापा जा सकते हैं और इस हिस्से को, लाइन के इस हिस्से को कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट तो अब क्या है कि जो लाइन सेगमेंट है किन्हीं दो पर्टिकुलर फिक्स पॉइंटों के बीच जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट, और इसकी दूरी जो है वो क्या होती है फाइनाइट। अगर बोला जाए कि एक लाइन सेगमेंट के अंदर कितने पॉइंट है तो वो अभी भी इनफाइनाइट है, यानी कि ए और बीच के, बी के बीच कितने पॉइंट मौजूद है, तो अब ये तो ए और बी के बीच में पॉइंटों की यदि बात करें तो
तो यहाँ पे तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट है, काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो पॉइंट तो अभी क्या है, इनफाइनाइट है, पर इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, फाइनाइट। अगर बात करें रे की, अब रे जो है वो क्या होगी कि एक फिक्स पॉइंट से इनफाइनाइट एंड तक जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं, यानी कि रे के अंदर क्या होता है कि हमारा एक पॉइंट जो है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसे आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो, एंड पॉइंट बोल सकते हो। और यही इसका फिक्स पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट के अलावा कोई भी चीज इसमें फिक्स नहीं है, ये इनफाइनाइट एंड तक चलती रहती है, इसे बोलते हैं। अब क्या नाम है, रे में और लाइन में और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है कि जो लाइन है, अगर बात करें लाइन, तो लाइन जो है हमारी दोनों एंड पे एक्सटेंड होती रहती है, इनफाइनाइट एंड तक जाएगी, यानी कि कहीं पे भी ये रुकेगी नहीं, दोनों तरफ ये बढ़ती रहेगी। और बात करें रे की, तो रे जो है उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है और दूसरा जो है वो फिक्स पॉइंट नहीं होता, वो इनफाइनाइट एंड तक जाती है, ठीक है, यानी कि इसमें दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, एक ही एंड पॉइंट है। और बात करें लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जो है वो दोनों ही ऐसे हिस्से हैं जहां पे वो रुक जाती है, यानी कि ए और बी ये एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट। तो किसी लाइन के एक टुकड़े को लाइन सेगमेंट बोला जाता है, और इसके जो है वो दोनों ही एंड पॉइंट होते हैं दोनों तरफ, इनके बीच की दूरी जो है वो फाइनाइट होती है, और ना तो रे का डिस्टेंस फाइनाइट है ना ही लाइन का डिस्टेंस फाइनाइट है, सिर्फ लाइन जो है उसका डिस्टेंस क्या है, फाइनाइट है। अगर पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, रे के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, और लाइन सेगमेंट के अंदर भी इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी कि अगर पॉइंट की बात करते हैं तो तीनों के अंदर जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब इसके बाद बारी आती है एंगल की, जो एंगल है वो क्या है कि एक वर्टेक्स के ऊपर जो दो रे एक फिक्स पॉइंट से निकलने वाली दो रे जो एक दूसरे के ऊपर कोई झुकाव बनाती है उसे बोलते हैं एंगल, यानी कि हमारा जो एक फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से दो रे निकलती है और ये जो दो रे है ये एक दूसरे पे जो झुकाव बनाएगी, इन दोनों के बीच का जो झुकाव है वही कहलाता है एंगल। अब ये जो दोनों रे है ये इनकी क्या कहलाती है, आर्म है, इस एंगल की क्या है, आर्म, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है, और ये जो फिक्स पॉइंट है ये कहलाता है एंगल का वर्ड, क्या कहलाता है, एंगल का वर्टेक्स। और अगर बात की जाए
जहां से हमारा एंगल स्टार्ट होता है, यानी कि अगर हम मान के चले कि हमारा एंगल यहां से स्टार्ट हुआ और इधर रोटेट हो रहा है हमारा एंगल, यानी कि लाइन जो है वो ये इधर घूम रही है, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल साइन है, और जहां एंगल खत्म होता है वो टर्मिनल साइन है। और इनके बीच का जो ये एंगल है, ये झुकाव है, ये एंगल क्या है? अब जो ये एंगल है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमारा जो रोटेशन है एंगल का, वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा एंगल है वो पॉजिटिव एंगल होता है। हमारा जो एंगल है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर बात करें इसके दूसरे रोटेशन, तो इस रोटेशन के अंदर क्या है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और जो हमारा रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज होगा तो हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। अब एंगल को वैसे तो हम किसी वैल्यू से शो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसके लिए हम थीटा जो है वो इस्तेमाल करते हैं शो करने के लिए। मोस्टली एंगल का जो साइन है वो रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से। अब इसे मापने की बात की जाए, यदि एंगल को मापने की बात की जाए तो इसे डिग्री में मापते हैं। जो ये साइन है, ये सिंबल जो है वो डिग्री का है, तो एंगल जो है हमारा वो डिग्री में मापा जाता है। अब बात करें टाइप्स ऑफ एंगल की, टाइप्स ऑफ। अब टाइप्स ऑफ एंगल में जब हमारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि हमारा जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री, तो उसे बोलते हैं एक्यूट। इसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। और जब हमारा जो एंगल है वो इक्विवेलेंट टू 90 डिग्री है, तो इसे बोलते हैं राइट एंगल। ये हमारा क्या कहलाता है? राइट एंगल।
करें यदि हमारा एंगल जो है वो मोर देन 90 डिग्री, हमारा जो एंगल है वो मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो, तो इसे बोला जाता है ऑब्टूस एंगल। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्टूस। अब बात करें नेक्स्ट एंगल के बारे में। यदि हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री से तो ज्यादा है और 360 से कम है, यानी कि जब हमारा एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स। और जब एंगल जो है वो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है, अगर उसकी बात, यानी कि इक्विलेंट हो 180 डिग्री, जब स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बढ़ेगा वो हमारा किसके इक्विलेंट होगा? 180 डिग्री, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रेट। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट एंगल। अगर बात करें कि स्ट्रेट एंगल के अंदर कितने राइट एंगल है, तो दो राइट एंगल जो है इक्विवेलेंट टू वन स्ट्रेट, यानी कि 2 × 90 = 180। और जब हमारा जो एंगल है वो जहां से शुरू हुआ कंप्लीट होके वहीं पे आ जाए, यानी कि जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था उसी पोजीशन पे वापस आ जाए, तो उसे बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और जो ये हमारा कंप्लीट एंगल है ये इक्वल होता है 360 डिग्री, किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री। इसमें दो स्ट्रेट एंगल है और 4 राइट एंगल। यानी कि कंप्लीट एंगल जो होगा हमारा वो 360 डिग्री है, यानी कि 2 × 180 डिग्री, या दूसरे शब्दों में बोले तो 4 × 90। एक अब ये जो कंप्लीट एंगल है इसे हमने डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स, तो 4 90 डिग्री के जो एंगल है वो एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं, और 2 180 डिग्री के एंगल जो है वो भी एक कंप्लीट एंगल बनाते हैं।
एक ही बात तो हुई, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी टाइप ऑफ एंगल्स। अब बात करें जब दो लाइनें हमारी पैरेलल हो, और थर्ड लाइन उसकी ट्रांसवर्स हो, ये दो पैरेलल लाइन है L1 और L, और ये लाइन जो है वो ट्रांसवर्स है। अब इस के अंदर एंगल्स को किस प्रकार से हम पहचानते हैं वो समझ लीजिएगा। जब हमारे एंगल जो है वो अंदर की तरफ और अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। ये एंगल ए और ये एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल एंगल, और इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये दो एंगल भी अंदर की तरफ है और अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल सी और एंगल डी भी क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो दो पेयर ऐसे होते हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के होते हैं, और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ए इक्विवेलेंट है बी के और सी इक्विवेलेंट है डी के। और जब दो लाइन एक दूसरे को काट, तो यहां पे ये चार एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट बढ़ते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। इन्हें बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन्हें क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब ट्रांसवर्सल जो है वो बाहर की तरफ जो एंगल बनाती है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल जो बाहर की तरफ एंगल बनाती है, अपोजिट साइड में वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल भी इक्वल है, इस तरफ भी बाहर की तरफ ये जो एंगल है ये इक्वल है, और बाहर की तरफ बढ़े हुए, तो इन्हें बोला जाता है अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर और वर्टिकली अपोजिट है। इसके बाद बारी आती है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। कोरस्पोंडिंग एंगल एक ही साइड पे होते और दोनों पैरेलल लाइनों के बीच ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइनों के बीच जो एंगल जनरेट होते हैं एक ही साइड वो कहलाते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये दोनों ए और बी इस पैरेलल और इस पैरेलल लाइन के बीच बने हुए एंगल हैं और एक ही तरफ होगा तो ये कहलाएंगे कोरस्पोंडिंग एंगल और ये एंगल भी क्या होते हैं इक्वल एंगल ए और एंगल बी। अब ऊपर बना हुआ है तो नीचे वाला भी ऊपर की तरफ ही बना होना चाहिए और ये अगर एंगल नीचे की तरफ है तो ये नीचे वाले के ही इक्वल बनेंगे। तो एंगल सी और एंगल डी ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल। ई और एफ भी कोरस्पोंडिंग एंगल है और इक्वल है। G और H ये भी कोरस्पोंडिंग एंगल है और इक्वल। तो इस तरह से जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं उनके चार पेयर तो ये हुए हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल। इसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। ए और बी जो है हमारे एडजेसेंट एंगल और इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होता है 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल में क्या होता है कि एक साइड कॉमन होती है। अब ए और बी के अंदर ये साइड कॉमन है, सी और डी के अंदर भी ये साइड कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल। आप लोगों बोलोगे कि एडजेसेंट तो ये दोनों भी है, ये बिल्कुल एडजेसेंट है और इनका सम भी क्या होगा 180। ये दोनों भी एडजेसेंट है, इनका सम भी क्या होगा 180। ये दोनों भी एडजेसेंट है, इनका सम भी क्या होगा 180। पर यहां पे एक चीज और मैं बताता हूं आपको कि जब एक स्ट्रेट लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हालांकि ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल और इन एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 ही होगा, पर इन दोनों को
बोला जाता है लीनियर पेयर। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए एंगल का जोड़ा जो है वो कहलाता है लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो होता है परिटी। तो यहां पे ए और सी भी लीनियर पेयर है, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। सी और डी भी लीनियर पेयर है, इसका सम भी 180 डिग्री होगा। बी और डी भी लीनियर पेयर है, इसका सम भी 180 डिग्री। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई। इसमें ए और बी जो है वर्टिकली अपोजिट है, और सी और डी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ई और एफ वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जी और एच वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के भी इसमें चार हैं। तो आज की क्लास में हम यही करते हैं, इससे आगे जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ज्योमेट्री को। तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।